तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बनाओ बनाओ में। तो हमारा मोटो है सब बनाए मिलके बनाए। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ, जहाँ पे हम एक सिंगल इमेज से अपना एक 3D अवतार क्रिएट करेंगे। तो वही मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, तो अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे मिनी मी। अगर आप अपने आप को बना रहे हो तो आपके लिए मिनी यू। तो सबसे पहले अगर आपके 3D प्रिंटर है ना, तो आप ये जरूर ट्राई करोगे, मेरे को पता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करना है, एक PIFUHD करके एक कीवर्ड जो हमें टाइप करना है गूगल पे, उसको टाइप करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको जो है मतलब बताया गया है कि कैसे एक इमेज से एक 3D मॉडल क्रिएट किया जा रहा है। तो इसमें आपको पूरा कोड भी मिल जाएगा गिटहब पे इसका, अगर आपका सिस्टम इतना केपेबल है तो आप इसे अपने पाइथन पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ डेमो पे बात करेंगे जो जो हम गूगल कोलैब की मदद से यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो इसका लिंक मैं आपको कोलैब का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कॉपी करेंगे इसके क्लिपबोर्ड को अपने डेस्कटॉप पे। इसके बाद में जो पेज हमारे पास खुल के आता है यहाँ पे क्लोन PIFHD जो आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके जो साइड में टैब है इसमें एक लिंक आ जाए, इसमें एक बॉक्स आ जाएगा, PIFHD का फोल्डर बन जाएगा, उसमें सैम्पल इमेजेस आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे जो सैम्पल इमेजेस का आपको जो फोल्डर दिखाई दे रहा है, इस सैम्पल इमेजेस के फोल्डर में आपको एक PNG फाइल अपलोड करनी है। तो ये PNG फाइल आपकी अपनी खुद की हो सकती है, आप किसी की कर सकते हैं। PNG फाइल को अपलोड करने के बाद में जो PNG फाइल का जो कॉपी पाथ होगा, पाथ पाथ को आपको कॉपी करना है और इस एरो वाली जगह पे आपको पेस्ट करना है ऊपर नीचे दोनों साइड, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसका जो पीछे लिखा है उसे काट देना है। इसके बाद आपको रन टाइम पे क्लिक करना है। रन टाइम के बाद रन आफ्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोसेस बिगिन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी काम करना। तो ये थोड़े लंबा प्रोसेस रहेगा, 10 से 15 मिनट का ये टाइम लेगा आपके साथ में। उसके बाद में इस पूरी जब प्रोसेस होगी, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारी इमेज है वो वहाँ पे सिस्टम पे अपलोड हो रही है उनके क्लाउड पे, और वहीं से उनके सिस्टम से प्रोसेस होगी, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो इतना केपेबल नहीं है कि हाँ इस पूरी इमेज को प्रोसेस करके एक 3D मॉडल बना पाए। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, एक गूगल के सर्वर से इसे कनेक्ट करा है, तो वहीं पर इसकी इमेज को एक कन्वर्ट करेगा हमारे सिंगल इमेज से 3D मॉडल में। तो 10 से 15 मिनट जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके साइड टैब में एक और फोल्डर क्रिएट होगा रिजल्ट का, इसके भी आपको दिखने वाला है। तो लीजिए हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में जो हमारा रिजल्ट का फोल्डर है, रिजल्ट फोल्डर भी बन गया है। उस रिजल्ट फोल्डर के जब हम अंदर जाएंगे तो हमें एक रेकॉन करके फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको दो दो फाइल्स मिलेगी, एक .obg फाइल होगी और एक png फाइल होगी। आपको दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है, अगर png को नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन .obg को हमें डाउनलोड करना है। इसके बाद में जैसे मैं आपको png फाइल खोल के दिखाता हूँ कि जैसे कि एक इस png फाइल में आपको पता लग रहा है कि एक सिंगल इमेज से कैसे इसने एक 3D मॉडल क्रिएट कर, जैसे यहाँ पे फ्रंट आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है एक साइड में ब्लू में, और येलो में आपको बैक बैक दिखाई दे रही है मेरी। तो ये इसने खुद ही सिंगल इमेज से इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला है, ये एक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं यहाँ पे हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने की है। इसके बाद आपको ब्लेंडर खोलना है, और ब्लेंडर में हमें अपनी डॉट जो .obg है फाइल है जो हम डाउनलोड करी है नेट से, उसे इम्पोर्ट करना है। तो जहाँ भी आपने उसे डाउनलोड करा है वहाँ से जाके आप उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी फाइल अब इम्पोर्ट हो चुकी है, और ये रहा हमारा 3D मॉडल जो हमने एक सिंगल इमेज से क्रिएट करा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ मतलब जो हैंड मूवमेंट है वगैरह है, हैंड की पोजीशन वो काफ़ी सही इसमें क्लियर आई है, मतलब जैसे कि मैं खड़ा ही था उसी हिसाब से इन्होंने पूरा मॉडल क्रिएट करके दे दिया है हमें सिंगल इमेज से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन आपको देखने में लगेगा हाँ थोड़ी सी कमियां हैं इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन आप एक सिंगल इमेज से इतना भी क्रिएट करना काफ़ी बेटर है।
तो आप क्या कर सकते हैं, आपको तो अपने मॉडल को थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं खुद ही। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ब्रश टूल्स का यूज़ करना है और इसे रिफाइन कर देना है जैसा आपको लगता है। ब्रश टूल की मदद से काफ़ी टाइम हो सकता है ये, अगर आपको आता है ब्लेंडर चलाना तो आपके लिए इजी रहेगा, अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए एक टफ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने काफ़ी टाइम देने के बाद मुझे करीबन 1 से 1.5 घंटा लगा इसमें और मैं इस यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत शेप मैं दे पाया बट पूरी भी नहीं, बट फिर मैं इससे संतुष्ट रहा तो मेरे को लगा ठीक है चलो अब हो गया मेरा काम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा 3D मॉडल है वो तो थोड़ा बहुत मील खा रहा है, इसके बाद क्या करना है इस फाइल को हमें एक्सपोर्ट कर लेना है .stl फॉर्मेट में। तो जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं इसे वहीं पे एक्सपोर्ट कर दीजिए .stl में। तो .stl फाइल से हम 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद इस फाइल को जहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे मैंने सेव करा है उसका मैं खोलता हूँ इसे। तो ये यहाँ पे मैं इसे अल्टीमेट क्यूरा स्लाइसर से स्लाइस करने वाला हूँ 3D प्रिंटिंग के लिए। स्लाइसिंग हमने इसलिए करते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा प्रिंटिंग में चेक करने के लिए उसे और जी कोड कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो प्रिंटर होता है 3D प्रिंटर वो खाली जी कोड ही समझता है, तो इसे स्लाइसर हमें जी कोड कन्वर्ट करके देता है हमारे प्रिंटर के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रखे हैं मेरा मॉडल है जो बेड के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो प्रिंटिंग बेड है उसके ऊपर डायमेंशन, तो यहाँ पर मैं इसे 10 सेंटीमीटर की हाइट देने वाला हूँ यहाँ पर आज भी। जैसे कि यहाँ पर मैं दे दी 10 सेंटीमीटर की हाइट इसे दे दी, तो ये रहा हमारा लास्ट रिजल्ट। थोड़ा सा मैंने कलर करने की कोशिश करी जो मैं नहीं कर पाया बिल्कुल भी, और बिल्कुल फेल रहा मैं इस कलर करने में। आई गॉट, मेरे से नहीं होंगे कलर। तो देखिए ये जो मॉडल है मेरा, मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे ऐसा लगे, बट खैर ये लग नहीं रहा है अभी। बट फिर भी आप देखेंगे बॉडी वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सही है। फेस के लिए तो मतलब आपको थोड़ी सी मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ती, तो लेकिन ये सब आप देख रहे हैं कि एक सिंगल इमेज से ही क्रिएट कर दिया गया है। तो ये है मिनी मी, ये मैं हूँ। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इसी तरीके की मस्त मस्त क्या मतलब और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और टाटा, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।